नमस्कार बच्चों, मैं भावना रावल हिंदी की कक्षा में आज आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज कक्षा 6 का आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 15 नौकर पढ़ने वाले हैं, जिसकी लेखिका हैं अनु बंदोपाध्याय जी। बच्चों, यह पाठ जो है वो गांधी जी के ऊपर आधारित है। गांधी जी के जीवन से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, तो इस पाठ के द्वारा आप जानेंगे कि गांधी जी अपने जीवन में कोई भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे। वो हर कार्य जो है अपने हाथों से करना पसंद करते थे, अपना काम स्वयं करना पसंद करते थे और दूसरों को यह संदेश भी देते थे, सिखाते भी थे कि उन्हें अपने कार्य के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए बल्कि स्वयं करना चाहिए और किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। तो ये पाठ जो है बहुत सारी ऐसी सीख या शिक्षा देता है। तो सबसे पहले हम लेखिका के बारे में जान लेते हैं। लेखिका जो है अनु बंदोपाध्याय जी हैं, और अनु बंदोपाध्याय जी स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही हैं। जैसे गांधी जी सामाजिक कार्य किया करते थे, आंदोलन किया करते थे, कभी भी कहीं भी किसी को भी उनकी आवश्यकता हो या कोई भी गलत नीति हो अंग्रेजों की, ब्रिटिश की, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। तो इन ऐसे कार्यों में अनु बंदोपाध्याय जी जो हैं वो उनके साथ होती थी, क्योंकि गांधी जी के विचारों से वो बहुत प्रभावित थी, उनके जीवन से बहुत प्रभावित थी, इसलिए वो उनका साथ देती थी और ये कार्य भी करती थी। उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। उन्होंने गांधी जी के जीवन में उन्होंने जितनी भी घटनाएँ, जितने भी कार्य हैं उनको कलेक्ट करना, मतलब इकट्ठा करना और फिर उसको कंपाइल करना, उसको संपादन करने का कार्य भी किया। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी जी खुशी से करते थे। देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुरूप गांधी यह पुस्तक अनु बंदोपाध्याय जी द्वारा लिखी है। ये बांग्ला भाषा में है, जिनका अनुवाद शोभा भागवत जी ने किया है। तो ये इस पुस्तक में गांधी जी के जीवन पर आधारित और गांधी जी अपनी दिनचर्या में रोज़ प्रतिदिन जो भी छोटे बड़े कार्य हैं उनको करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था और मन को खुशी भी मिलती थी। तो इन सभी बातों का इसमें जिक्र किया गया है अनुज जी द्वारा, जिन्हें गांधी जी जब भी करते थे तब उन्हें बड़ा सुख और आनंद मिलता था। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता है इसलिए आज भी उनका जीवन, उनके द्वारा कही गई बातें, उनके द्वारा दी गई शिक्षा प्रासंगिक है। तो बच्चों, इस पाठ को इसीलिए आपके सिलेबस में, आपके कोर्स में रखा गया है कि आप उनके जीवन से कई सारी बातें सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 15, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 15 नौकर। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। अब देखिए, आश्रम में मतलब साबरमती आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम होते थे जो सामान्यतः घर में नौकर चाकर किया करते हैं, जैसे बर्तन मांजने का काम, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ों का, ये सारे काम जो है आमतौर पर आजकल सामान्यतः देखा गया है कि नौकर चाकर है, बाइयाँ जिसके घर में आती हैं वो करती हैं, तो ये एक आम बात है। पर गांधी जी को ये सारी चीज़ें करना, अपने हाथों से करना बहुत अच्छा लगता था। जिस जमाने में वे बैरिस्टरी से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार
घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठ खड़े हुए। अब देखिए, पाठ का प्रारंभ ही कितने अच्छे तरीके से किया गया है कि गांधी जी का एक व्यक्तित्व या चरित्र का उनका यह गुण यहाँ पर पहला हमें यहाँ पता चला इन 4-5 लाइनों में कि वे कोई भी कार्य जो है, जो आमतौर पर घरों में सामान्यतः घरों में छोटे बड़े कार्य जो है वो नौकर जाकर किया करते हैं। आप भी देखते होंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आप लोगों के घर में भी जहाँ पर किसी काम के लिए बाई जी लगाई गई हैं या कोई काम है ऐसा जो दूसरों के द्वारा या दूसरों पर हम आश्रित हैं उनके द्वारा किया जाता है, तो ये बहुत ही सामान्य सी बात है। पर गांधी जी के जीवन में हर कार्य को वो स्वयं करना बड़ा पसंद करते थे और उसके लिए आनंद महसूस करते थे, उन्हें और रुचि से करते थे। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती ऐसा नहीं करते थे, वो रुचि से करते थे। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें कोई पैसों की तंगी थी या वो कर नहीं सकते थे या फिर नौकर चाकर लगा नहीं सकते थे, ऐसा नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी बता दिया गया है कि उस ज़माने में बैरिस्ट्री मतलब वकालत, जैसे डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी करते हैं, इसी तरह वकील होंगे तो वकालत करेंगे, तो बैरिस्टर मतलब वकील, तो बैरिस्ट्री मतलब वकालत। तो उस समय वकालत से वे हज़ारों रुपए कमा लेते थे। ठीक है, तो उनके लिए ऐसा नहीं था कि भाई पैसों की तंगी है या पैसे नहीं हैं तो वो सारे काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, उस समय वे प्रतिदिन सुबह अपने सारे जो भी कार्य थे वो स्वयं करते थे, जैसे हाथ से चक्की पर आटा पीसना। अब चक्की पर आटा पीसना ये कार्य कौन करता है आजकल? कोई नहीं, बहुत कम होता होगा ऐसा कि अपने घरों में हम कर रहे हैं आमतौर पर। तो उन दिनों भी वो ये कार्य भी स्वयं करना पसंद करते थे और इस कार्य में उनकी पत्नी कस्तूरबा और उनके बेटे जो हैं उनकी मदद करते थे। हाथ बटाना मतलब मदद करना। और इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन आटा जो होता था वो खुद ही पीस लिया जाता था घर पर ही। और साबरमती आश्रम में भी यह नियम था कि उनके जो भी कार्य हुआ करते थे वो स्वयं करना पड़ते थे लोगों को। तो वहाँ पर भी क्या होता था, खाने के लिए लोगों को आटा चाहिए या खाने की जो भी वस्तुएं, तो वो स्वयं जुटानी पड़ती थी, आटा भी स्वयं पीसना पड़ता था, है ना। तो आटा वह चक्की को ठीक करने में भी कभी कभी घंटों मेहनत किया करते थे। हाँ, ऐसा है कि मान लो घर में, जैसे कहीं हमारे घर में भी कई सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं तो हम तुरंत मैकेनिक को बुलाएंगे, तुरंत हम कॉल करते हैं, है ना, बुलाते हैं किसी को या दूसरे पर आश्रित रहते हैं। पर गांधी जी जो हैं वो घंटों मेहनत किया करते थे। कोई भी चीज़ है, कोई भी मशीन है तो उसे खोल कर देखना, अंदर क्या चीज़ क्या खराबी है ये देखना, वो सब वो किया करते थे और बड़े रुचि से किया करते थे। गेहूँ पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे। कोपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम केवल गांधी को शर्म नहीं काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। ऐसा नहीं होता था कि भाई किसी के सामने यदि वो ऐसा काम कर रहे हैं, आटा पीस रहे हैं, गेहूं साफ कर रहे हैं, तो उन्हें शर्म आ जाएगी कि अरे ये भी कोई काम है, ऐसे कोई करता है, ऐसा नहीं था। वो अपने सारे कार्य जो है किसी के भी सामने करने में उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। ठीक है, तो गेहूं पीसने से पहले वो क्या करना पसंद करते थे, गेहूं को साफ करना पसंद करते थे। कोपिनधारी मतलब धोती, एक विशेष प्रकार की जो धोती को पहनने का जो ढंग होता है उसे कहते हैं। और गांधी जी हमेशा धोती पहना करते थे। तो कोपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर कई सारे लोग जो होते थे, जो उन्हें देखते थे तो बड़े हैरत में पड़ जाते थे, बड़े आश्चर्य में पड़ जाते थे कि
इतने दुबले पतले हैं, इतने शरीर में कदकाठी में, ऐसे नहीं है कि बहुत हट्टे कट्टे तगड़े हैं, पर फिर भी उनमें फुर्ती और काम करने की जो शक्ति है और जो लगन है, वो जो है वो बहुत ही काबिल तारीफ हुआ करती थी। ठीक है, और सब लोग बड़े हैरत में पड़ जाते थे, आश्चर्य में पड़ जाते थे कि ये कैसे कर लेते हैं, है ना। और वो सबको सिखाते भी थे ये सारे कार्य करना। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चले गए। अब देखिए, एक बार की घटना का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि कुछ कॉलेज के जो छात्र हैं वो आए और गांधी जी से इंग्लिश में बातें करने लगे, या लोगों से इंग्लिश में, अंग्रेजी में बातें करने लगे। और कहते ना, वो ये सोच रहे थे कि भाई हमें अंग्रेजी आती है तो बहुत पढ़ा लिखा मानेंगे, कि हाँ भाई दूसरों पे बड़ा इम्प्रेशन पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा कि हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे थे। तो गांधी जी उनके मन की बात जान गए थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्या करने आए हैं, इनको अपनी अंग्रेजी भाषा पर बड़ा घमंड हो रहा है ना। तो जब बच्चों ने पूछा कि बापू हम आपकी कोई मदद कर दें, तो उन्होंने क्या कहा बच्चों को, मतलब जो कॉलेज के छात्र थे, उन्हें लग रहा था कि हमें तो कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई कार्य मिलेगा, है ना। यदि आश्रम में हैं तो मान लीजिए, अब आश्रम में कई सारी चीज़ें, इतने सारे लोग रहते थे तो कई सारी योजना बनाना, कोई रिपोर्ट तैयार करना, कोई सामान की सूची बनाना, लिस्ट बनाना, तो कई सारे काम ऐसे हुआ करते थे, मैनेजमेंट वाले, प्रबंधन वाले, तो ऐसे कार्य हमें मिलेंगे। कॉलेज के छात्र ये सोच रहे थे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब गांधी जी ने उनको ये कह दिया कि तुम ये जो थाली दिख रही है इसमें गेहूं पड़े हैं, ये गेहूं बीन डालो। तो जो आगंतुक थे, आगंतुक मतलब आए हुए जो थे, वो बड़ी मुश्किल में, जो बच्चे आए थे वो बड़ी मुश्किल में पड़ गए, है ना। उन्हें बड़ा अजीब भी लगा, पर अब वो कुछ नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने वो कार्य किया। और फिर जल्दी से करके क्या हुआ, वो थक भी गए और फिर गांधी जी से विदा ली और वो वहाँ से चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। भंडार का काम मतलब रसोई घर में भी भंडार गृह होता है ना, स्टोर रूम जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जहाँ पर कई सारा सामान रखा होता है, सामग्री रखी होती है, तो वो कार्य संभालना भी में भी रुचि रखते थे वे। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियाँ छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख लेते जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए, बिना धोए आलू काट दिए। अब देखिए फिर आगे क्या होगा। गांधी जी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए कभी नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं क्योंकि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे, इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। देखिए, अब उनको रसोई घर की चीज़ों का, भंडारण का और सब्जियों के, फलों के पौष्टिकता का सब ज्ञान था उनको,
ठीक है। तो कई बार ऐसा होता था कि रसोई घर में जाले वाले लगे हैं या गंदगी है या मकड़ी का जाला है, तो अगर वो देख लिया उन्होंने, हमारे भी घरों में ऐसे हो जाता है, तो अगर उन्होंने देख लिया तो डांट लगती थी साथियों को, है ना। फिर सफाई के लिए वो समझाते थे कि साफ़ सफाई रखना और किचन में रसोई घर में साफ़ सफाई रखना बहुत आवश्यक है। और एक बार ऐसे ही आश्रमवासी जो है वो बिना धोए आलू काट रहा था, तो उन्होंने ये भी समझाया, मतलब खान पान के बारे में, उसकी पौष्टिकता के बारे में, गुणों के बारे में, कि किससे क्या प्राप्त होता है, किस चीज़ को कैसे बनाया जाता है, और साफ सफाई के बारे में उन्हें पूरा ज्ञान था और वे दूसरों को समझाते भी थे। एक बार एक आश्रमवासी को केले दे दिए गए और वो केले कैसा था, जिसके छिलकों पर चकते बने हुए थे, मतलब वो पका हुआ केला था। तो उसे ये जो केला मिले थे, तो उसे पाकर उसे जब मिले तो वो मन में अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर गांधी जी ने उन्हें समझाया कि तुम्हारा हाजमा, मतलब कोई भी खाने कोई भी चीज़ खाई तो उसे पचाने की जो शक्ति है वो तुम्हारी कमज़ोर है, तो अभी ये केला जो है तुम्हारे पेट के लिए या तुम्हारे हाजमे के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए तुम्हें दिया गया है और ये पका हुआ है, खराब नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से वे दूसरों को समझाते भी थे। अब आश्रम का नियम, आश्रम का एक नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें, रसोई की बर्तन बारी बारी से कुछ लोगों, अगले पेज पर है बच्चों, हाँ, कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी हुई थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और भी बहुत लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है, और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले आए। बर्तन एकदम चमकते न हो तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। अब देखिए, यहाँ पर हम गांधी जी के व्यक्तित्व या गांधी जी के जीवन से जुड़ा हुआ एक और गुण जो है, एक और पहलू जो है वो जानेंगे पाठ के द्वारा, कि उन्होंने उनको भंडारण का, ये सब सब्जी के, फलों के पोषक तत्वों का तो ज्ञान था ही, साफ सफाई का तो ज्ञान था ही। अब देखिए, रसोई घर में यदि बर्तन जो हैं गंदे भी हैं, काले भी हैं, तो उन्हें खुद साफ करना उन्हें पसंद आता था, कि वे खुद ही रगड़ने या साफ करने लग जाते थे। अब देखिए, यहाँ इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, चूल्हे पर यदि कोई भी सब्जी है, दाल है, या कुछ भी पकाया जाएगा, बनाया जाएगा, तो नीचे से जो पेंदी है, जो तला है, वो तो काला होगा ही, तो उसे साफ करना भी, जोर जोर से रगड़ना या उसे साफ करने लग जाते थे गांधी जी। उसमें उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं होती थी, वे खुद ही स्वयं ही साफ करना पसंद करते थे। और एक बार ऐसा ही हुआ, तब कस्तूरबा ने उन्हें देख लिया और उन्होंने कहा कि यह काम आपका नहीं है, ठीक है, इसको करने वाले कई सारे लोग यहाँ पर हैं, और वे अपनी बुद्धिमानी इसी में समझ रहे थे, कि इसलिए वे वहाँ से चुपचाप चले गए, रसोई का सारा कार्य उन्हें सौंप कर। अब एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझ कर चांदी सा चमका सकते थे। अब देखिए, ये काम ऐसा नहीं है कि वो साबरमती आश्रम में या घरों में या कहीं अपनी जगह पर रह रहे हैं तो ही कर रहे हैं, वे हर जगह ये कार्य करना पसंद करते थे। ऐसा नहीं है कि वो किसी को दिखाने या समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जहाँ भी वो जाएंगे, जहाँ पर भी वो रहे अपने जीवन में, वो हमेशा ये सारे कार्य करना पसंद करते थे, लोगों को सिखाना पसंद करते थे। ऐसा नहीं है कि मैं तो कर रहा हूँ, मैं दूसरों को क्यों बोलूँ, ऐसा नहीं, वो सबको सिखाते भी थे, सफाई का ज्ञान देना, सबके बारे में वो बताते थे। जब
आश्रम का निर्माण हो रहा था तो उस समय वहाँ आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना है, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी जी खुद उनका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने जा रहे हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं होता था कि आश्रम में सबको बस उन्हें तो ये देखना है कि सब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको हुक्म चलाना है, ऐसा नहीं है। अगर वो कोई नया आया है या मान लीजिए कोई अव्यवस्थित काम है, कहाँ कहीं कुछ नहीं किया गया है, तो वे स्वयं करने लग जाते थे। ठीक है, अब आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज़ करते थे। एक दिन कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी जी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत ही पछतावा हुआ। देखिए, अब अस्वस्थ थे वो एक दिन, तो किसी कार्यकर्ता ने सोचा कि मैं उनकी मदद कर दूं, वो ये नहीं कर पाएंगे। पर गांधी जी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उनका कोई कार्य जो है अस्वस्थता के कारण या उन पर दया देखकर कोई दूसरा कर दे, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वो ये कार्य भी, पानी उठाने का, पानी ले जाने का कार्य भी कुएं से वो स्वयं करते थे, थकते नहीं थे वे। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका के बोर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। एक एक दिन में लोगों को वो 25-25 मील तक ढोया करते थे। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टालस्टाय बॉडी में रहते थे, तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चला करते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण को खुशी खुशी अनुकरण करते थे। अब देखिए, उनके जीवन के हर पहलू से, हर चीज़ से, हर घटना से हम कुछ न कुछ अवश्य सीख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई उनका दुबला पतला शरीर है या वे अस्वस्थ है तो कोई उन पर दया देखकर या लाचार देखकर कोई उनकी मदद करने लगे, उनका कार्य करने लगे। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उन्हें दैनिक जो भी शारीरिक श्रम है, जो रोज के कार्य है, वो करना उन्हें खुद पसंद आता था और वो उनमें उतनी शारीरिक क्षमता थी, मतलब वो स्वयं ये कार्य करना पसंद करते थे। उनका शरीर जो है इन सभी कामों के लिए थकता नहीं था। और पाठ में देखिए कितने सारे उदाहरण बताएं कि वे 25-25 मील जो है वो पैदल चला करते थे, चल लिया करते थे, और दक्षिण अफ्रीका में भी वो चला करते थे। ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर गए हैं तो बिल्कुल उससे रहेंगे। उनको पैदल चलने का जो है वो बड़ी रुचि से अपना हर कार्य जो है कर लिया करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी जी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा करवाएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। देखो, अब दूसरों के लिए भी उनके मन में दया भाव भी था।
ऐसा नहीं था कि भाई कुएं के तालाब के भरने का काम ये मजदूर लोग या ये लोग कर रहे हैं तो ये तो इनका काम है, करेंगे और फिर शाम को अपने चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनके लिए भी वो दया का भाव रखते थे और उन्हें ये पता था कि ये सारा काम दिन भर का ये जो काम कर रहे हैं उसके कारण ये थक जाएंगे, फिर वापस लौटेंगे तो उन्हें भूख लगेगी, तो उसके नाश्ते का भी सारा बंदोबस्त, सारी व्यवस्था गांधी जी ने करके रखी थी। तो दूसरों के लिए भी वे समान भाव, दया का भाव रखते थे। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तश्तरियाँ धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि एक दुबला पतला आदमी और कोई नहीं उस शाम के भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी जी ही थे। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका में भी एक घटना यहाँ पर बताई गई है कि उनका बिल्कुल साधारण सा जीवन, उनका व्यक्तित्व असाधारण, बिल्कुल ऐसा व्यक्तित्व कि ऐसा नहीं कि कहीं पर वो चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में गए हैं तो कुछ नहीं करेंगे, फिर उस दिन वो सभी से अपनी सेवा करवाएंगे, ऐसा नहीं। कई लोगों ने वहाँ पर, भारतीय छात्रों ने दक्षिण अफ्रीका में शाकाहारी भोजन पर उन्हें आमंत्रित किया, तो दोपहर में वे उनकी ही मदद करने के लिए चले गए, सब्जी धोने, तश्तरियाँ धोने, थालियाँ छोटी ये सब धोने के लिए और सब्जी साफ करने का, ये सारे छोटे मोटे जो उनकी काम हैं मदद करने के लिए वे चले गए। तब उन्हें पता नहीं था कि मुख्य अतिथि आज शाम के लिए जिनके लिए हम भोजन बना रहे हैं वो यही हैं। फिर उनके नेता जब आए तब उन्हें पता चला कि ये तो वही हैं जो शाम को मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उनका जो व्यक्तित्व है वो कितना सहज है, कितना सरल है, उनसे हम ये भी सीख सकते हैं। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गांवों का दौरा करते थे तो उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता था तो वे चंद्रमा की रोशनी में भी पत्र पूरा कर लेना उन्हें ज़्यादा पसंद आता था। लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। अब देखिए कितना सरल व्यक्तित्व है, कितना सहज व्यक्तित्व है उनका, कि सबसे पहले तो अपने सारे दिन भर के कार्य जब भी ख़त्म कर लिया करते थे, उसके बाद जब वो सोने जाते थे तो अपना फर्श खुद बुहारते थे, कमरे का खुद साफ सफाई करते थे, झाड़ू से बुहारना मतलब साफ कर लिया करते थे। तब गांधी ऐसा कार्य देखकर कोई भी कार्यकर्ता है या कोई भी व्यक्ति है वो तो तुरंत आएगा कि लाइए ये मैं कर देता हूँ। करते ही हम भी कोई बड़ा यदि काम करता है तो हम तुरंत दौड़ कर आते हैं और कहते हैं कि लाइए ये मैं कर देता हूँ। पर उन्हें दूसरों उनसे काम करवाना बिल्कुल पसंद नहीं था, वो स्वयं अपना काम करते थे। और रात को लालटेन का यदि तेल खत्म हो जाता वो चंद्रमा की रोशनी में पत्र लिखा करते थे। तो इस तरीके से उनका जो जीवन था बहुत ही साधारण जीवन था। नोहाखाली पद यात्रा के समय गांधी जी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी जी की अवस्था 78 वर्ष की थी। देखिए अब 78 वर्ष की उम्र में गांधी जी खाकरा बनाने की विधि जो है वो
उन लोगों को समझा रहे थे जो उनके साथ पदयात्रा में या कहीं पर भी जब भी जाते थे वे यात्रा पे, तब सिर्फ दो लोगों को साथ रखते थे। ऐसा नहीं कि भीड़ की भीड़ साथ में जा रही है, ऐसा नहीं, वो एक दो लोगों को ही साथ में रखना पसंद करते थे। तो नाश्ते के लिए मान लीजिए खाखरा है, एक गुजराती व्यंजन है, तो उन्हें बनाना नहीं आता था, तो गांधी जी ने स्वयं बताया, मतलब उन्हें रसोई के कार्यों में भी रुचि थी, है ना, बनाने के मतलब पाक कला में भी वे निपुण थे, रसोई एक निपुण रसोई की तरह वे बताने लगे। ऐसा नहीं है कि भाई किचन के काम है, खाना बनाने का काम है, ये काम मेरा नहीं तो मैं क्यों करूं, और मुझे तो उन्हें सर हर काम में रुचि थी। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य थी। अब देखिए, ये सारी चीज़ों के अलावा वे बच्चों से बड़ा प्रेम करते थे, और उनके स्वयं के भी, उनके खुद के भी जब बच्चे हुए तो 2 महीने बाद उन्होंने ये सोचा कि एक बच्चे के लिए माता पिता का होना, पास में होना बहुत अधिक आवश्यक है उसके विकास के लिए, है ना। वो माता पिता से ही सब कुछ सीख सकता है, ना कि यदि हम उसको संभालने के लिए कोई दाई है या कोई रख लें तो वो उससे सीख जाए, ऐसा नहीं। उनका मानना ये था कि एक बच्चे के विकास के लिए, एक बच्चे को अच्छी तरह से पालन पोषण करने के लिए एक माता पिता का होना बहुत अधिक आवश्यक है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार, अब देखिए, उनके इस गुण की व्याख्या भी यहाँ पर किसी एक घटना के द्वारा की गई है कि एक बार ऐसा क्या हुआ था कि उनका ये गुण जो है प्रदर्शित होता है। दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई हैं। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता ही नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया था। सारे दिन कड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भर कर रख लेते थे ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उसकी चारपाई पर रात में आराम से और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका की ये बात जो है, यात्रा में जब वे गए तो उनकी इस घटना का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है कि उनकी दोस्त की जो पत्नी थी, एक बार उन्होंने देखा कि वो बड़ी ही कमज़ोर हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं। तो वो क्यों? क्योंकि उनका जो छोटा सा बच्चा था वो रो रो कर दिन भर उन्हें तंग करता था, परेशान करता था। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए हमारी नींद भी पूरी नहीं होती है, दिन भर हमने बहुत काम किया या किसी तरह से हम किसी काम में व्यस्त रहे, नींद पूरी नहीं हुई तो हमें थकान सी भी महसूस होती है ना। तो गांधी जी ये सब भाप गए, ये जान गए कि बहुत ही शिथिल दुबली कमज़ोर हो गई है। तो उसका कारण था कि उनका बच्चा जो है वो दूध पीना नहीं छोड़ रहा था उनका, और रात भर रोता रहता था और चैन ही नहीं लेने देता था, मतलब वो बिल्कुल आराम से नहीं रह पाती थी उस बच्चे के कारण। तो इसका भी हल गांधी जी ने निकाल लिया कि रात को जब वो सभा करके भाषण देकर रात में यदि देर से आते थे तो उस बच्चे को चारपाई पर अपने साथ अपने पास लेटा लेते थे, अपनी उसकी माता के पास से लाकर अपने पास लेटा लेते थे और अपने पास कटोरी में पानी भी रखते थे कि बच्चा यदि कभी रोया तो उसे पानी पिला देंगे। पर ऐसा कभी हुआ नहीं। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे 15 दिन तक उन्होंने किया तो बच्चे की अपने आप बच्चे की जो है आदत जो है वो
छूट गई दूध पीने की, और रात में उठने की, जागने की, रोने की, ये सब आदतें अपने आप छूट गई। तो एक माता की तरह गांधी जी इस काम में भी बड़े निपुण थे, बड़े कुशल थे कि वे बच्चों की देखभाल भी बड़े अच्छे से कर लिया करते थे, उन्हें बहला लेते थे, उनके साथ खेल लेते थे, तो उन्हें ये कार्य भी बहुत पसंद आता था। गांधी जी अपने से बड़ों का आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की, वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनका भोजन परोसते थे, उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहाँ उन्होंने गंदे पखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूं, क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, ज़रूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर न हो, जो मेरे सामर्थ्य में हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला। और इसके बाद उन्होंने उस नेता की कमीज़ के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का कार्य भी बड़ी खुशी खुशी से किया। देखिए, उनका एक सरल व्यक्तित्व, सहज व्यक्तित्व, साधारण सा व्यक्तित्व, कि वो दूसरों का आदर करना, कार्य करना, यह सब काम भी बड़े अच्छे से किया करते थे। कि जैसे गोपाल कृष्ण गोखले जो उनसे बड़ों का भी वे आदर करते थे, जैसे यहाँ पर पाठ में बताया है कि गोखले जी जो हैं उनके छोटे बड़े सारे काम करते थे और उनके दुपट्टे पर इस्त्री किया करते थे, प्रेस किया करते थे, भोजन परोसने का कार्य, पैर दबाने का कार्य, है ना, और एक वो जो कांग्रेसी नेता थे उन पर उनकी कमीज का बटन टांकने का, लगाने का कार्य, उस सारे कार्य स्वयं किया करते थे। और उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि मैं इतना बड़ा व्यक्तित्व हूँ तो ऐसा मैं कार्य करूँगा तो लोग हंसेंगे, ऐसा नहीं लगता था उनको। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी जी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान समझना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां भी हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। अब देखिए, किसी भी काम को आश्रम में करने के लिए, मान लीजिए कई सारे काम होते थे आश्रम में, तो उनको करने के लिए बहुत सारे छोटे बड़े काम हैं तो लोगों की आवश्यकता होगी। तो वे कहते थे कि हमें हरिजन को रखना चाहिए और उनको मजदूर नहीं समझना, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये तो मजदूर हैं और उनको उसी तरह से वो व्यवहार करें। जैसे तालाब भरने में भी उन्होंने दिन भर लोगों ने काम किया तो गांधी जी ने उनके लिए फल आदि की व्यवस्था की, नाश्ते की व्यवस्था की। तो इसी तरीके से गांधी जी ये संदेश सभी को देते थे कि हमें उन्हें मजदूर नहीं समझना चाहिए, अपने भाई की तरह समझना चाहिए। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता तो दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और दो गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी जी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घराने में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे जो परिचय करवाया गया तो उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। देखिए, हर जगह देश विदेश में जब वे घूमते थे तो कई सारी जो अच्छी बातें होती थी ना वो
स्वयं पर साबरमती आश्रम में या उनके आसपास जितने भी लोग हुआ करते थे उस पर भी वे लागू किया करते थे कि देखिए इंग्लैंड में ऊंचे घराने में एक दिन वहीं पर भी भोज के लिए वह उनको बुलाया गया होगा। और जब वे उनसे विदा ले रहे थे तब घरेलू नौकर को भी इतने अच्छे तरीके से परिचय करवाया गया। हम भी ऐसा करते हैं, कोई हमारे घर आया है तो हम उनका परिचय सबसे कराएंगे या हमारे घर के सभी लोगों का परिचय उनसे कराते हैं। तो ऐसे ही इंग्लैंड के ऊंचे घराने में वो जब गए तो घरेलू नौकरों का भी परिचय इस तरीके से अपने आत्मीयता से अपनत्व से कराया कि उनको ऐसा लगा कि जैसे ये परिवार के सदस्य हैं। तो ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगी और ये चीज़ इसीलिए वे हर कार्य को क्या करते थे, जो भी काम जो है अच्छा लगा उसको वो स्वयं अपने जीवन में भी अपनाते थे और दूसरों को भी वे सिखाते थे। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस समय उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। देखिए कितनी अच्छी बात है, लोग जो है उनका कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, हमेशा वे लोगों को भी सिखाते थे और लोग जो है उनका काम करने में अपना बड़े अपनत्व से उनका कार्य जो है करने में उनको बड़ा मज़ा भी अच्छा लगता था, सम्मान भी महसूस होता था, गर्व भी महसूस होता था कि हम गांधी जी के थोड़े से काम आ जाएं, है ना। तो एक भारतीय सज्जन के यहाँ जब वे काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद जब वे विदा ले रहे थे तब कई सारे लोग उनका काम कर दिया करते थे, तो उनसे कहा उन्होंने कि मैं आप लोगों को नौकर नहीं समझता, हाँ मेरे भाई बहन की तरह मानता हूँ मैं आपको, और जितना आपने मेरे लिए कार्य किया उसका फल, उसका प्रतिदान मतलब उसका फल जो है उनके लिए, जैसे हमारा कोई काम कर देता है आजकल ऐसा होता है ना, तो हमने उसको उसकी मदद के लिए पैसे दे दिए या कोई चीज़ ऐसी दे दी, हाँ पहनने के लिए दे दिया, तो अब ये सब तो मैं आपको क्या दूँ, पर ईश्वर ज़रूर देख रहा है आपको इसका फल अवश्य मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से वे सभी को अपना भी मानते थे, ऐसा नहीं समझते थे कि हाँ ये मजदूर है, ये छोटा है या ये इतना छोटा कार्य कर रहा है, मजदूरी का कार्य कर रहा है तो उससे वैसा अपनत्व का व्यवहार नहीं रखना, ऐसा वो नहीं समझते थे, वो सभी को अपना मानते थे। तो इस पाठ के द्वारा हमने जाना बच्चों कि गांधी जी को हम किस तरीके से उनके व्यक्तित्व से उनके जीवन से कितनी सारी चीज़ें जो है सीख सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और गांधी जी के जीवन से आप अवश्य ही अपने कई सारे गुण जो हैं सीखना चाहेंगे, धारण करना चाहेंगे, उन्हें अपनाना चाहेंगे। तो धन्यवाद।